हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट इज टोर्नेडो हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोर्नेडो घूमती हुई तेज हवा का कॉलम होता है जो एक कन्वेक्टिव क्लाउड के अंदर डेवलप होता है और फिर जमीन से कॉन्टेक्ट में आता है। कन्वेक्टिव क्लाउड्स गर्म हवा के एटमोस्फेयर में ऊपर उठने से बनते हैं। टोर्नेडोज ज्यादातर थंडरस्टॉर्म्स या कहें बिजली के तूफानों के मौसम में आते हैं, स्प्रिंग और समर के दौरान। ये तेजी से घूमते हुए बवंडर धरती के सबसे फास्ट हवाओं को जनरेट करते हैं। कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स के समय हवा की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक नापी गई है। जब इस स्पीड की हवा किसी रिहायशी एरिया से टकराती है तो चारों तरफ तबाही और मौत का नजारा फिर हमें दिखाई देने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हवा के कारण चारों तरफ मलबा उड़ता है जिससे लोगों को घातक चोट लग सकती है और साथ ही पूरे के पूरे घर या तो ढह जाते हैं या उड़ जाते हैं। तो अनलेस वो सुपरमैन है, ऐसे इंपैक्ट से कोई भी नहीं बच सकता। पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर टोर्नेडोज वीक होते हैं जो कि बहुत ही कम आबादी वाले एरियाज में आते हैं और सिर्फ माइनर डैमेज ही करते हैं। टोर्नेडो कहाँ आते हैं? टोर्नेडो हर कॉन्टिनेंट पर आए हैं सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़ के। वैसे अगर देखा जाए तो एंटार्क्टिका में ना मच्छर हैं, ना मक्खी है, ना टोर्नेडो है। अगर इतनी ठंडी जगह नहीं होती तो हम में से बहुत से लोग ऐसी जगह रहना बिल्कुल पसंद करते। नीचे कमेंट्स में हमें अपने किसी फेवरेट कंट्री या सिटी के बारे में बताइए जहां आप रहना चाहते हो, और साथ ही अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। अब सबसे ज्यादा टोर्नेडो कहां आते हैं? इसका कैलकुलेशन के स्टाइल्स कुछ अलग है। अगर टोर्नेडोस पर लैंड साइज देखें तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा टोर्नेडो आते हैं जो कि मोस्टली वीक होते हैं। ऑन एवरेज वहां 33 टोर्नेडो साल में आते हैं। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा टोर्नेडोस आते हैं। 1990 से वहां एवरेज 1000 प्लस टोर्नेडोस पर ईयर का चल रहा है। वहां सबसे ज्यादा वायलेंट टोर्नेडोस भी आते हैं जो कि लगभग 10 से 20 होते हैं एक साल में। इतने स्ट्रॉन्ग टोर्नेडोस यूएसए के बाहर बहुत रेयर है। कैनेडा, रशिया, यूरोप, इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी टोर्नेडोज रिपोर्ट किए गए हैं। अब टोर्नेडो बनते कैसे हैं? हालांकि एग्जैक्ट कंडीशंस हर टोर्नेडो के लिए अलग होती है, पर ये समझने के लिए कि टोर्नेडो कैसे बनते हैं पहले हमें उसकी माता जी यानी सुपर सेल थंडरस्टॉर्म को समझना होगा। एक रेगुलर थंडरस्टॉर्म के विपरीत एक सुपर सेल थंडरस्टॉर्म में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है, उसके सेंटर में गोल घूमती हुई हवा जिसे वोर्टेक्स बोला जाता है। जैसे जैसे सुपर सेल तूफान साइज में बढ़ता है उसके बीच का वोर्टेक्स टिल्ट होने लगता है और गर्म हवा और मॉइस्चर ऊपर सोखने लगता है और ठंडी ड्राई एयर नीचे धरती की तरफ भेज देता है। इस प्रक्रिया के कारण ऊपर गई गर्म हवा वोर्टेक्स को वाटर वेपर से भर देती है जिससे उसके बीच में एक घूमता हुआ फनल बन जाता है जो कि पहला साइन होता है एक टोर्नेडो के बनने का। फिर नीचे की ठंडी हवा और इस ऊपर जाते हुए स्पाइरल में मुकाबला होने लगता है जिससे वो स्पाइरल एक स्मॉलर एरिया में सिकुड़ जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर सफिशियंट प्रेशर और वेट नीचे की ठंडी हवा से पड़े तो ये घूमता फनल क्लाउड जमीन छूने पर मजबूर हो जाता है और इसके साथ ही टोर्नेडो ऑफिशियली बॉर्न होता है। अब ये टोर्नेडो एली क्या है? आपने हो सकता है कहीं डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक या हो सकता है कहीं न्यूज में सुना हो कि टोर्नेडो एली में तूफान आया या टोर्नेडो आए। तो ये है क्या? टोर्नेडो एली यूएसए में वो रीजन्स हैं जहाँ सबसे ज्यादा टोर्नेडो आते हैं। ये एरिया वेस्ट टेक्सस से लेकर ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का तक फैला हुआ है जो ये अमेरिका के स्टेट्स हैं। अब टोर्नेडोस की प्रिडिक्शन कैसी होती है? एक अच्छी बात ये है कि हम टोर्नेडो प्रिडिक्शन कर पाते हैं, अनलाइक अर्थक्वेक जहां कोई डायरेक्ट प्रिडिक्शन अभी हम नहीं कर सकते। पहला स्टेप प्रिडिक्शन में ये होता है
कि ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई किए जाएं जहां स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स बन सकती हैं। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा टोर्नेडो यूएसए में आते हैं, तो वहां के फोरकास्टर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो वो ऐसे एट रिस्क रीजन्स की विंड प्रोफाइल को कॉन्स्टेंट मॉनिटर करके ही अंदाज़ा लगाते हैं कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, हवा का डायरेक्शन कैसा रहेगा, एट्सेट्रा। न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से और स्पेस में सैटेलाइट के इमेजिंग सिस्टम के जरिए अब 1 से 7 घंटे एडवांस में टोर्नेडो की प्रिडिक्शन हो सकती है। फिर जब किसी वेदर रडार पर एक एक्चुअल टोर्नेडो स्पॉट हो जाता है तो टोर्नेडो वार्निंग इशू कर दी जाती है, जो आपको किसी मूवी की याद दिला देगा। अब आप पूछेंगे, टोर्नेडो वार्निंग से मूवी का क्या रिलेशन? रिलेशन उसकी साउंड है, जो आपने कई मूवीज में भी सुनी होगी। तो आइए सुने टोर्नेडो की वार्निंग साउंड। ये सुन के आपको किसी ना किसी मूवी ट्रेलर की याद जरूर आई होगी। अब टोर्नेडो में हम सेफ कैसे रहें? अब वार्निंग हमें मिल गई कि टोर्नेडो आ रहा है, पर आगे हमें क्या करना है? जैसे कि हम जानते हैं, टोर्नेडोज बहुत तेज हवा अपने साथ लाते हैं, जिससे हर तरफ मलबा उड़ता है। अब टोर्नेडो डायरेक्ट किसी के घर को हिट करे तो घर तो बचने से रहा, पर मजबूत घर जो उसके पास हैं पर डायरेक्ट हिट नहीं हुए वो बच सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने के लिए कहीं बेसमेंट में या कहीं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड शेल्टर, जहाँ सरकारी शेल्टर्स होते हैं जैसे अमेरिका में, वहाँ जाना बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर शेल्टर तक नहीं पहुंच पाए तो? अगर बेसमेंट ही नहीं है तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में ये रिकमेंडेशन होगी कि आप घर के किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहां दीवार थिक हो या मोटी हो और कोई विंडो ना हो। अपने सर और अपने नेक के ऊपर हाथ रख लें और एक हैवी ब्लैंकेट भी रख लें या कोई मैट्रेस, ताकि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। अब अगर आप कहीं बाहर फंस गए हैं तो तुरंत कोई मजबूत बिल्डिंग में घुस जाइए, नहीं तो कोई पुलिया के नीचे शेल्टर ले लीजिए, वरना आपको टोर्नेडो अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। एक अंतिम रोचक बात यह है कि टोर्नेडो मोस्टली किसी विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सामने से नहीं गुजरते, तो उनकी विंड स्पीड का अंदाज़ा उनके द्वारा किए गए नुकसान से किया जाता है और फिर टोर्नेडो की इंटेंसिटी को फुजीटा स्केल से रेट किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। व्हाट इज टोर्नेडो से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार।